सब्सक्राइब करें नोहर टुडे चैनल को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि नोहर की हर एक न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री व आरपीएससी अध्यक्ष के नाम का ज्ञापन पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र जी चचान को देकर स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 की तिथियों में बदलाव की मांग की है। अभ्यर्थी अजय गोदारन ने विधायक निवास पर जाकर विधायक अमित जी चचान से मुलाकात कर स्कूल व्याख्याता भर्ती मामले से अवगत कराया। पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र जी चचान को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि दो बार स्थगित हो चुकी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 यदि 3 से 13 जनवरी 2020 में होती है, इसके बीच पंचायत चुनाव आ जाएंगे, इससे एक बार फिर इस परीक्षा में परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि 10 माह में दो बार स्कूल व्याख्याता परीक्षा स्थगित हो चुकी है। पहली बार विधानसभा चुनाव और दूसरी बार EWS आरक्षण के चलते यह परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अब जनवरी माह में पंचायत चुनाव के चलते इस परीक्षा में फिर संकट गहरा हुआ है। 3 से 13 जनवरी 2020 तक इस परीक्षा की वजह से MA व BEd फाइनल के विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित होंगे। वह कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा इसी समय में होनी है। ज्ञापन में बताया गया EWS की नवीन मापदंड होने के कारण की गई अभ्यर्थी इस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, उन्हें आवेदन में संशोधन का मौका देवें, साथ ही पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए जो आरक्षण के चलते सरकार ने घोषित की थी। ऐसी अन्य कई मांगों को लेकर तथा अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माह जनवरी में आयोजित होने वाली इस परीक्षा की तिथि में बदलाव की पुरजोर मांग की है। इस मौके पर अजय गोदारा, समीउल्ला, मनीषा शर्मा, पूनम, रवि जांगिड़, सचिन आदि अभ्यर्थी उपस्थित थे।